दोस्तों आप सभी ने शाम के समय में तारों की तरह टिमटिमाने वाले कीड़ों को तो जरूर देखा होगा, जो नॉर्मली हमें पेड़ों पर या झाड़ियों में दिखाई देते हैं। इन्हें हम जुगनू कहते हैं। इनकी चमक हरे और पीले रंग में दिखाई देती है। अक्सर इन्हें गांव में ही देखा जाता है। यह रात को ही चमकते हैं। जुगनू को इंग्लिश में फायरफ्लाई कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम लैम्पायरी डाई है, जो ऑर्थ्रोपोडा यूनियन का प्राणी है। जुगनू वास्तव में बीटल्स की स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। जुगनू की विश्व भर में 2000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। यह ज्यादातर नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। इनकी कुछ स्पीसीज तेज रोशनी भी पैदा करती हैं। पुराने समय में तो लोग इनका यूज लैंप की तरह किया करते थे, और इसके अलावा इनका यूज रात के समय में रास्ता देखने के लिए भी किया करते थे। जुगनू पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाने वाले चमकने वाले जीवों में से एक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर जुगनू चमकते कैसे हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। जुगनू के शरीर में डाइजेशन के दौरान एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके दौरान लूसीफेरस और लूसीफेरिन नामक प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है। और जब यह प्रोटीन ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ मिलने से लूसीफेरिन केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इस रिएक्शन के कारण पीले और हरे प्रकाश की चमक पैदा होती है। इस प्रोसीजर के दौरान कोई गर्मी पैदा नहीं होती, इसलिए इसे ठंडी रोशनी भी कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जुगनू अपनी रोशनी के जरिए अपने बाकी साथियों के साथ कांटेक्ट करते हैं। जुगनू में अलग अलग ब्लिंकिंग पैटर्न पाए जाते हैं, जो कि हर जुगनू साथी के लिए अलग अलग ऑप्टिकल सिग्नल होता है। जुगनू का यह लाइट पार्ट उनके पेट के ठीक नीचे पाया जाता है। इसके अलावा जुगनू इस रोशनी का यूज अपने खाने को ढूंढने और शिकारियों से खुद को बचाने में भी करते हैं। कुछ तेज रोशनी वाले जुगनू भी होते हैं, जो साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो यह देखने में पतले, चपटे और आकार में छोटे होते हैं। यह काले और स्लेटी रंग में पाए जाते हैं। इनकी दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और इनमें 6 छोटी छोटी टांगे पाई जाती हैं। मेल फायरफ्लाई में 2 पंख होते हैं, जिसके ऊपर 2 मजबूत खोल लगे होते हैं। यह उड़ते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि फीमेल जुगनू में पंख नहीं पाए जाते। यह एक ही जगह पर रहकर चमकते हैं। जुगनुओं का मुख्य खाना पेड़ पौधे और वनस्पतियां होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी पर जुगनू की तरह चमकने वाले कई जीव मौजूद हैं, जिनकी अब तक 1000 से ज्यादा स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ स्पीसीज जमीन पर और कुछ समुद्र में पाई जाती हैं। फायरफ्लाइज की लाइफ साइकिल 4 स्टेप्स में पूरी होती है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। फीमेल फायरफ्लाई अपने अंडे पत्तों पर देती है, और एक बार में 300 से 500 तक अंडे दे सकती है। यह अंडे एक महीने बाद छोटे छोटे लार्वा में बदल जाते हैं। जुगनू अपनी लार्वा के स्टेज में 2 से 4 महीने तक रहते हैं, और लगभग एक महीने बाद प्यूपा स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके अंग पूरे तरीके से विकसित होने लगते हैं। लगभग 30 से 40 दिनों के बाद यह एडल्ट फायरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। फायरफ्लाइज का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। यह लगभग 1 से 2 साल तक जीते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपडेट्स पर बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।